हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट कॉकटेल। मैं हनीशा, आपकी होस्ट। इन दिस वीडियो यू विल एनकाउंटर द मोस्ट इजीएस्ट वे ऑफ फ्लूइड आर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं फ्लूइड आर्ट क्या है। फ्लूइड आर्ट हम एक्रेलिक पेंट्स के साथ में करते हैं, जो कि पोरिंग टेक्निक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इसके मटेरियल्स काफी ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो मटेरियल्स अरेंज करना इज अ क्वाइट पेन। लेकिन रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, जिसमें मुझे कैमलिन की एक फ्लूइड आर्ट की किट मिली, जो कि काफी अफोर्डेबल भी है। और गाइस मैं बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने ये किट खुद से परचेज की है। और इसके साथ में ही हम फ्लूइड आर्ट बनाएंगे। ये आर्ट इतना ज्यादा फ्रेंडली है कि बच्चे बड़े कोई भी इसे बना सकते हैं, इसके लिए कोई आर्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल पॉपिंग इनटू आवर स्टूडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द किट विच आई बॉट फ्रॉम Amazon। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने किट को ओपन किया है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें मिलता है एक कैनवस, चार एक्रेलिक पेंट्स की ट्यूब्स और एक एप्रन। मैंने कैनवस की सील को ओपन कर लिया है और मैंने एक पेपर कप लिया है। पेपर कप में मैंने सभी कलर्स को वन बाय वन करके पोर कर लिया है। इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस आप कॉर्नर में डालना स्टार्ट करें और वन बाय वन करके सभी कलर्स ग्लास में डाल लें इस तरीके से। अभी इस पेंट को हम कैनवास के ऊपर पोर करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी कोई टेक्निक नहीं है, मैंने इसे सिंपली कैनवास के ऊपर पोर कर दिया है। अब बस कैनवास को मैं रोटेट करती रहूंगी थोड़ी देर तक, ताकि ये पेंट्स कैनवस के ऊपर अच्छे से फैल जाए। मुझे पेंट्स थोड़े से कम लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से और पेंट उसके ऊपर डाल दिए हैं। अभी कैनवस मेरा फिल हो गया है, मैं वापस से रोटेट करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी कैनवास पे पेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है और हमें काफी अच्छे टेक्सचर्स मिल रहे हैं। मेरा कैनवास ऑलमोस्ट फिल हो चुका है और मुझे काफी अच्छे टेक्सचर्स मिल चुके हैं। अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी।
एटलीस्ट इसे हम 2 से 3 घंटे देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं क्लोजली आपको इसका टेक्सचर दिखा दूं। मुझे ये पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। हमारी पेंटिंग बन चुकी है और ड्राई हो चुकी है एंड दिस इज द आउटकम। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। इसके टेक्सचर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और ये करना इतना ज्यादा इजी था और इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रेस बस्टर। इसकी टेक्निक इतनी ज्यादा अच्छी है कि इसे बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई आर्ट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।